दोस्तों, पिछले काफी टाइम से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें हैं कि फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक जो हैं बिग बॉस 17 का हिस्सा बन सकते हैं। 15 तारीख से बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है और इसके साथ ही अरमान मलिक को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अरमान मलिक और कृतिका पायल तीनों लोग बिग बॉस में एंट्री मारेंगे, वो भी एक साथ। हालांकि खबरों को कन्फर्म कृतिका पायल और अरमान तीनों ने इनडायरेक्टली भी किया। तीनों कई बार मुंबई को लेकर बातें करते नजर आए और शो को लेकर भी उन्होंने फैंस को काफी सारे हिंट दिए। हालांकि जब अरमान मलिक को लेकर यह खबर सामने आई कि बिग बॉस 17 का हिस्सा होंगे अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों के साथ में, तो ऐसे में फैंस ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि आखिर जब बिग बॉस के घर के अंदर अरमान मलिक जाएंगे तो माहौल कैसा होगा बिग बॉस के घर का। अरमान मलिक जिस तरीके की अभी लाइफ में है, क्या इस टाइम पर भी वो ऐसा ही रिएक्ट करेंगे या फिर उन्हें जवाब देने का तरीका कोई और सोचना होगा। अरमान मलिक को लेकर बिग बॉस की जो खबरें हैं सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से चलाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच बिग बॉस 17 को लेकर हम लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी खबर, और वो ये है कि पायल कृतिका की वजह से अरमान मलिक का जो बिग बॉस 17 में जाने का सपना था वो टूट गया है। जी हाँ, अरमान मलिक बिग बॉस 17 में नहीं नजर आएंगे और इसकी वजह है कृतिका मलिक और पायल, जिन्होंने एक बड़ा रूल तोड़ दिया है जिसके बाद उनका बिग बॉस में जाने का पत्ता कट गया है। दरअसल होता यह है कि बिग बॉस के अंदर जो भी कंटेस्टेंट जाते हैं उनके साथ एक डील की जाती है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में बांधा जाता है और इसके साथ ही उनसे ये एक प्रॉमिस लिया जाता है कि आप शो में जाने को लेकर कोई भी बात अपने व्लॉग, अपनी वीडियोस और कहीं पर भी किसी से नहीं करेंगे। ये जाने का जो तरीका होता है बेहद गुपचुप तरीके से होता है ताकि बाहरी दुनिया में लोगों को ना पता चल पाए कि बिग बॉस के अंदर कौन कौन से कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पायल और कृतिका ने कई बार अपने व्लॉग्स में इस बात को रिवील किया कि अरमान जी मुंबई जा रहे हैं, अरमान जी के साथ हम लोग भी शो में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली एक हिंट दे दिया फैंस को कि बिग बॉस 17 में अरमान मलिक, कृतिका और पायल को लेकर एंट्री मारने वाले हैं। और इस बीच अब ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बिग बॉस ने अरमान के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और इसके साथ ही जिस तरीके से पायल कृतिका ने कई बार अपने व्लॉग्स में शो में जाने को लेकर हिंट किया उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट बिग बॉस के साथ खत्म हो गया है, यानी कि बिग बॉस 17 में नहीं नजर आएंगे अरमान मलिक, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये खबर जोरों शोरों पर है कि कृतिका पायल की वजह से अरमान मलिक का बिग बॉस में जाने का जो सपना है वो बिल्कुल टूट गया है, जिसके बाद अरमान मलिक भी काफ़ी अपसेट है। हालांकि अपने व्लॉग्स में वो कहीं पर भी इस बात को जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है क्योंकि रिपोर्ट्स में बहुत ही ठोस दावा किया जा रहा है इस बात को लेकर कि अरमान मलिक बिग बॉस में नहीं नजर आएंगे। अरमान मलिक का ये जो सपना टूटा है पायल कृतिका की वजह से, इसको लेकर कहना चाहते हैं आप, जो भी आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।